मिनी गोवा का रिसोर्ट से आप बैठ सकते हो। तो अभी धूप हो गई है बहुत ज्यादा, क्या मस्त बाइक चल रही है, बोट चालू हो गई है तो अभी चल रही है गाड़ी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जाने वाला जो रूट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे पेड़ वेड़ मिलते हैं और इसी रूट पे हम गाड़ी चला के आगे जा रहे हैं। अंग्रेल डैम के लिए हम यहाँ पे टर्न करेंगे इस साइड, तो इस तरफ बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां पार्क हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक भी मना रहे हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ गंगरेल डैम, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। रायपुर से धमतरी यानी गंगरेल डैम तक का व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बाकी का वीडियो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल पहुँच चुकी हूँ मैं पार्किंग एरिया में। ये वाला जो है ये है गंगरेल डैम मिनी गोवा का पार्किंग। यहाँ पे फोर व्हीलर टू व्हीलर दोनों पार्क होती है और इसी साइड में बहुत सारे लोग बैठ के खाना वाना भी बना रहे हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर और आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। तो अभी धूप हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सोची थी मौसम अच्छा होगा लेकिन धूप हो चुकी है, सो अभी चलते हैं। वो पार्किंग के जस्ट सामने इधर पे अंजीर शेक आइसक्रीम है, इधर पे बर्फ कोला नींबू सोडा भी है, इस तरफ चिप्स विप्स का भी दुकान है छोटा सा और इधर से आगे जाना है। इधर पे टोपी ओपी का भी दुकान है, कैप लगा सकते हो क्योंकि क्या है ना धूप लगेगी उसके लिए, और किरिंग विरिंग की भी शॉप है। तो ये है रिसोर्ट जाने के लिए एंट्री, यहाँ पे गेट लगा हुआ है जो कि अभी बंद है क्योंकि रिसोर्ट के लिए आपको इधर जाना है और यहाँ से ऐसे चल के जाओगे। तो ये जो दिख रहा है ये है यहाँ का मिनी गोवा का रिसोर्ट, आप इस रिसोर्ट में रुक सकते हो। वैसे दिखने को तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट ये है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली, सो अभी इसमें कौन ही रुकेगा, बट देख सकते हो अगर आप इसमें रुकोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा सामने से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और ये जो मेरे पीछे देख रहा है ये है गंगरेल डैम का रिसोर्ट, अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे रुक सकते हो। और इसके सामने जो है वो है पूरा गंगरेल डैम, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। ये देखो पेड़ को काट के रख दिए हैं या ऐसा कुछ किए हैं पता नहीं, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे ऐसे डाल दिए और पूरा ये जो एरिया है पूरा रेती रेती कर दिए हैं, ऐसा गोवा टाइप का सीन बनाने की कोशिश किए हैं। इसके जस्ट सामने ये रिसोर्ट है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा टेंट वेंट लगा है जैसे आप बैठ सकते हो और पानी का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तरफ बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक टेंट लगाए हुए हैं, कैफेटेरिया टाइप का भी है और बच्चों का किड्स प्ले एरिया भी है, बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं बिकॉज आज संडे है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो अभी हम भी चलते हैं अंदर, पहले ये वाला एरिया आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो इस तरफ ऐसा चेयर है जिसमें आप बैठ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग कितना ज्यादा खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी बैठने का एरिया है, इसके सामने जो है वो पूरा गंगरेल डैम है और यहाँ पे कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं। इस तरफ थोड़ा धूप कम लग रहा है वरना उधर जाने पे तो बहुत ज़्यादा ही धूप लग रहा है। और ये है डस्टबिन, स्पेशल टाइप की डस्टबिन है यहाँ पे। इस तरफ कैफेटेरिया है जहाँ पे बैठ के कुछ खाना वाना खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, यानी बाहर का खाना ला के आप यहाँ पे खा नहीं सकते हो, यहीं पर ऑर्डर करके खाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है चीज़ कॉर्न सैंडविच क्योंकि सोचे कैफेटेरिया में पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे। तो ये है चीज़ कॉर्न सैंडविच, सभी खाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमने सैंडविच खा लिया, सैंडविच का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ऊपर से वो जो ऊपर कैफेटेरिया मतलब उस तरफ जो कैफेटेरिया वाले हैं वो लोग खाना तो देंगे उसके साथ आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, रेगुलर वाटर भी नहीं देंगे और वहाँ पे एक लगा के रखे हैं पीने के लिए, उसमें से अगर आप पानी ले भी लोगे तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, मना करते हैं। तो अगर आप मिनी गोवा आओ तो उधर पर खाना मत खाना क्योंकि टेस्ट भी नहीं है, ऊपर से बहुत कॉस्टली है और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ चीज़ कॉर्न का भी स्टॉल लगा हुआ है इधर पे, चुस्की उसकी का है और गुपचुप भी है यहाँ पे। इस तरफ क्रिकेट खेलने के लिए नेट भी लगा हुआ है एंड ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना रहता है, जितनी भी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है उस पर टिकट यहाँ से लेना रहता है एंड जो चार्जेस है वो यहाँ पे मेंशन है, अभी तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ से स्ट्रेट जाना है एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है गंगरेल डैम छत्तीसगढ़ में, जिसका टिकट 500 पर पर्सन है, पिकअप एंड ड्रॉप वाली भी फैसिलिटीज़ है और ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। और एक नॉर्मल बोटिंग है जिसमें पर हेड 100 रुपीज़, 200 और भी बहुत कुछ है, पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये है यहाँ पे बहुत सारी बोटिंग होती है लेकिन अभी बहुत सारी जो बोट है वो बंद है, आप पर्सनल तो ऐसा जा भी नहीं सकते वैसा टाइप का है और आपको सब लोगों के साथ ग्रुप में जाना पड़ेगा, या तो अगर 4 पर्सन हो तो जा सकते हो, ऐसे सिंगल आप जाना चाहो तो नहीं जा सकते वैसे टाइप में, तो पूरा बंद है। इधर भी है, इसमें सब लोगों को बैठा के लेके जा रहे हैं
उस तरफ है गंगरेल डैम का बांध, सो इधर पे बैठ भी सकते हो और बैठ के पानी को एंजॉय कर सकते हो। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इधर बैठ जाती हूँ थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करने के लिए ही। ओ माय गॉड, क्या मस्त बाइक चल रही है। लेकिन इसमें खुद से नहीं चलाने देते हैं, इसको चलाने के लिए एक रहता है ड्राइवर जो चलाता है। अरे वाह, क्या मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए उसे गार्ड भैया रहते हैं, आप टिकट दिखाओ उसके बाद आपको एंट्री मिलती है जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तो अभी हम शेयर में जा रहे हैं, तो इस तरफ जाएंगे। 200 रुपये टिकट है। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद अभी हमारा नंबर आया है। बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है, ज़्यादा तो चलती नहीं है। तो अभी हम पानी वाले पार्ट में आ चुके हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब चलते हैं, हमारी बारी आ चुकी है। तो अभी हम चलते हैं, हमारी बोट रेडी हो चुकी है। ये वाली गाड़ी है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। 800 पर पर्सन रहता है, ड्राइवर के साथ इंक्लूड रहता है। जैसे ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वैसा टाइप का रहता है, अच्छा रहता है, मज़ा आता है। ये देखो और ये 4 वाला बोटिंग है, और ये भी एक स्कूटी ही है। यहाँ उतारना रहता है, शूज़ हमने उतार दिया, अभी हम चलते हैं अंदर। किधर से ओपन करना है? तो अभी हम बैठ चुके हैं, काफ़ी अच्छी सीट है, मस्त लग रही है। बट ये 10 लोगों की पर्सनल बुक हुई है गाड़ी। अभी हम चलते पानी में, बोट चालू हो गई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पानी 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 पानी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी गाड़ी चल रही है पानी में, और धूप तो अब ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देख सकते हो ये चल रही है गाड़ी, और पीछे से पानी निकल रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, और बहुत ज़्यादा पानी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत सुहाना है, घर से आ रहा है पानी। वो वाला अंगार मोती वाला है, और ये वाला गंगरेल डैम वाला है। अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं बोट में गाड़ी चलाते चलाते, और जहाँ भी देखो वहाँ पूरा पानी ही पानी दिख रहा है। पानी, ये कितना ज़्यादा पानी है। और ये देखो धूप भी काफ़ी तेज है, काफ़ी मौसम मज़ेदार है। ये है यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इसको आप पर्सनली बुक कर सकते हो, और यहाँ पे ला के खाना वाना खिला सकते हैं। बढ़िया अच्छा रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट है, 500 रुपीज़ उसका चार्ज रहता है। तो अभी हम बोट राइड करके आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे देखो तो समझ नहीं आता, लेकिन जब आप पानी के बीच में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया फाइनली, हम गंगरेल डैम घूम के आ चुके हैं। जब हम घूम रहे थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, इसकी वजह से अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, बट जितना भी था उतना काफ़ी मज़ा आया। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पार्किंग एरिया में वापस से, और अभी मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अभी मैं वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको पसंद आ गया तो गंगरेल डैम ज़रूर विज़िट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।